धूमधाम से मनाया गया वैष्णो देवी का स्थापना दिवस। गोरखपुर के रेती चौक स्थित श्री संकटमोचन कालीबाड़ी मंदिर परिसर में स्थापित माता वैष्णो देवी के मंदिर का प्रथम स्थापना दिवस धूमधाम और भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। स्थापना दिवस पर शहर के जाने माने सुप्रसिद्ध भजन गायक ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने भजन के माध्यम से सभी माता प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने भजन के माध्यम से देवी माता के रूपों और गुणों का बखान किया। कालीबाड़ी मंदिर के महंत और हिंदू धर्माचार्य श्री रविन्द्र दास महाराज ने सर्वप्रथम विधि विधान से माता का श्रृंगार किया। तत्पश्चात विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों ने मां की झांकी की खूब सराहना की। मुख्य यजमान डॉक्टर अशोक कुमार स्मृति राष्ट्रीय सेवा परिषद के संयोजक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत श्रीवास्तव रहे। उन्होंने माँ देवी की महाआरती बड़े ही श्रद्धा से गुनगुनाते हुए समूह के साथ की और प्रसाद वितरण भी किया गया। इसी क्रम में मंदिर की संस्थापिका उषा देवी ने भक्तों में प्रसाद और चुनरी बांटी। इस अवसर पर उपेंद्र मिश्रा, हरिंद्र मिश्रा, दीपक मिश्रा, ओम प्रकाश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, गुड्डू चौरसिया, गुल्लू श्रीवास्तव, इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव, अनिल मिश्रा, सुनील कुमार, जितेंद्र तिवारी सहित भारी संख्या में भक्तगण, पुजारीगण सहित समाज के हर तबके के लोग उपस्थित रहे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आज रेती चौक स्थित श्री संकटमोचन कालीबाड़ी मंदिर परिसर में माता वैष्णो देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज का मुख्य श्रृंगार महंत रविन्द्रनाथ महाराज जी द्वारा किया गया। अब मंदिर की स्थापिका उषा देवी ने श्रद्धापूर्वक माता के दरबार को सजाया व पूजा अर्चना की। इस पूजा अर्चना के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें बढ़ चढ़ के स्थानीय लोगों ने व मां भक्तों ने हिस्सा लिया। देखते रहिए अमेज़ नाउ।